ध्यान के महत्व के संबंध में निरंतर मेरे द्वारा अनेक ढंग से इस भांति उस भांति यही समझाने की चेष्टा होती है कि कैसे आपके प्राणों में आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश हो और आपकी पूरी जीवन शैली ही ध्यानात्मक हो जाए। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर हर आदमी की आकांक्षा है कैसे वो धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाले। हर व्यक्ति भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति इस जिंदगी में हर मनचाही चीजों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करना चाहता है और हर मनचाही चीजों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करने के केंद्र में जो महासूत्र है, उस महासूत्र को मैंने ध्यान की संज्ञा दी है। लेकिन ध्यान के साथ कुछ इतना अद्भुत आयाम जुड़ा है, उसके कुछ इतने महत्वपूर्ण कारण हैं कि चाहते हुए भी आप में से अधिकांश लोग ध्यानात्मक जीवन शैली नहीं बना पाते हैं, ध्यान को जीवन का अंग नहीं बना पाते हैं। अधिकांश लोग ध्यान करने की चेष्टा करते भी हैं तो 4-6 दिन में ध्यान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी तरह से प्रेरित होते हैं और लगातार ध्यान करने की दिशा में सार्थक कदम उठा पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर, 99% से भी अधिक लोग ध्यान की महाऔषधि से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर 21वीं सदी के व्यक्ति को ध्यान की महाऔषधि उपलब्ध नहीं कराई गई तो समझ लेना सारी मनुष्यता महाविनाश की ओर कदम उठा चुकी है और महाविनाश से मनुष्य को बचाया नहीं जा सकेगा। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो मन चाही चीजों और मन चाही मंजिल को पाने की दिशा में आप कभी पूर्णता से सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो समझ लेना कि आपके इस जीवन में सच्चे अर्थों में आनंद की सुगंध नहीं पैदा हो सकेगी। अगर ध्यान की दिशा में आप सार्थक कदम उठाने का सशक्त निर्णय नहीं ले लेते हैं तो समझ लेना अध्यात्म के जगत में परम आनंद के रूप में परमात्मा की दिशा में आपका कदम कभी नहीं उठ पाएगा और ये पूरा का पूरा जीवन पशुओं की तरह जीते हुए ही आपको बिताना पड़ेगा।